जिला मंडी में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 जिलों के कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी पुरानी कार्यकारिणी को खारिज कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मिलाप शर्मा ने कहा कि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए दिन रात प्रयास करेंगे। प्रधान पद पर नियुक्त करने के बाद उन्होंने सभी जिलों से आए हुए कर्मचारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अनिल ठाकुर जो पिछले 29 वर्षों से कर्मचारी महासंघ का नेतृत्व कर रहे थे उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा और जो भी कर्मचारी महासंघ की समस्याएं होंगी उनका मिलकर समाधान करेंगे। बहुत सारी जो कर्मचारियों की समस्या हैं उनको निपटाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और मैं आज इस मंच से यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे कर्मचारी हैं सभी जिलों से आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अपना कीमती समय इस महासंघ को आज दिया और आज यहाँ पे नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। मैं भाई एनआर ठाकुर जी जो पिछले 29 वर्षों से इस महासंघ का नेतृत्व करते आए हैं उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा, सहयोग भी हमें मिलता रहेगा मैं उम्मीद करता हूँ और उनकी ही इस सब छत्रछाया में हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के साथ उठाएंगे। पूर्व अध्यक्ष एनआर ठाकुर ने कहा कि आज स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के चुनाव हुए हैं जिसमें पहले मैं 28 सालों से इस कार्यकारिणी का निर्वाह कर रहा था। 28 वर्षों में कर्मचारियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया था उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है आज जो नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है वो अपनी कार्य प्रणाली पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी सदस्यों ने मुझे 28 साल समर्थन दिया है और अब मैं लगातार उनको अपना समर्थन देता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पद स्वेच्छा से त्याग किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नई कार्यकारिणी और उसके सदस्य कर्मचारियों के हितों के लिए आवाज उठाएंगे और उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। हिमाचल प्रदेश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के चुनाव हुए और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं पिछले 28 सालों से इस महासंघ का नेतृत्व कर रहा था। मुझे खुशी है कि इन 28 सालों में मैं अपने कर्मचारियों का विश्वास जो है वो रिटेन कर पाया और कर्मचारियों ने मुझ पर जो अपनी जो आस्था व्यक्त की थी या जो विश्वास व्यक्त किया था उस हिसाब से जो भी मुझसे बन पाया वो मैंने किया। लेकिन कहा भी जाता है कि सदा ना फूले तोरियां सदा ना सावन होए, हमेशा तो नई बात बनती कि मैं आगे भी रहूं क्योंकि मुझे लगा कि मैंने काफी कर लिया है जितना मुझे करना चाहिए और अब मेरी सर्विस भी थोड़ी बस्ती है और आने वाले दिनों में मेरा प्रमोशन भी है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि नए जो लोग हैं वो भी अब महासंघ के अंदर आए और वो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कर्मचारी राजनीति को समझने का परखने का और कर्मचारियों के हकूक के बारे में लड़ाई लड़ने का। तो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे कर्मठ और निष्ठावान लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं भी अब 22 वर्षा उनको सपोर्ट करूंगा जितना। आज जैसे कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के पूरे प्रदेश से 12 जिलों में से लाहौर स्पीति को छोड़ करके सभी जिलों के कर्मचारी प्रतिनिधि थे उन्होंने हिस्सा लिया और लगभग 200 कर्मचारी प्रतिनिधि पूरे प्रदेश से यहां पहुंचे और आज के चुनावों में मिलाप शर्मा जो हमीरपुर से हैं उनको अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है